बुरहानपुर जिला पंचायत सीईओ अमिताभ सिरवैया को बुधवार दोपहर लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बुरहानपुर की बिरोदा ग्राम पंचायत के सरपंच को अनियमितताओं के चलते धारा 40 से हटाने को लेकर पूर्व सरपंच धर्मराज महाजन जिला पंचायत सीईओ अमिताभ सिरवैया को वर्तमान सरपंच रेखाबाई को हटाने की मांग के साथ ही ग्राम पंचायत में पेंडिंग पड़े अपने 1,40,000 रुपए के बिलों को पास कराने को लेकर जिला पंचायत सीईओ ने महाजन से 1,00,000 रुपए बतौर रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत धर्मराज महाजन ने लोकायुक्त पुलिस इंदौर को की और बुधवार दोपहर अग्रिम के तौर पर 25,000 रुपए की राशि जिला पंचायत सीईओ अमिताभ सिरवैया को देने व उनके कार्यालय पहुंचने और राशि देने के थोड़ी देर बाद ही लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने जिला पंचायत सीईओ अमिताभ सिरवैया को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान अमिताभ सिरवैया मीडिया के सामने फूट फूट कर रोने लगे थे। शिकायत करी थी वहाँ के सरपंच रेखाबाई और सचिव जो है उमा शंकर वर्मा को हटाने के लिए धारा 40 और धारा 92 के तहत, और पूर्व सरपंच के नाते इनके कुछ 1,80,000 के बिल पेंडिंग थे, तो वो बिल निकालने के लिए और उनको हटाने की कार्रवाई के लिए इनसे 1,00,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। उसी की पहली किस्त में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों में पकड़ा। अकेले में नहीं आया क्योंकि मैंने इनकी भी शिकायत की थी, तो मेरा घबराहट थी इनको मिलने के लिए कि भाई मिले और कोई झूठा किस प्रकरण ना बनाए, इसलिए मैं वकील साहब को लाया था। तो वकील साहब को बोले आप बाहर जाओ, मेरे को सिर्फ सरपंच साहब से काम है, तो मुझे अंदर बुला के मेरे से 1,00,000 की मांग की थी। तो मैं बोले आप ऐसा करो 1,00,000 मुझे दे जाओ, मैं इसको सरपंच को हटा दूंगा रेखा भाई उमाकांत चौधरी को, और आपके 1,80,000 है वो भी निकाल दूंगा। नगर में शेगांव के राजा संत श्री गजानन महाराज का प्रकट दिन उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थानीय ज्ञानदीप विद्यालय व गजानन भक्त मंडल द्वारा प्रकट दिन उत्सव पर अनेक धार्मिक कार्यक्रम कर महाप्रसादी का आयोजन किया गया। प्रकट दिन उत्सव को लेकर शाला परिवार द्वारा विशेष साज सज्जा की गई। महिला शिक्षकों ने शाला के प्रवेश द्वार पर प्रांगण में फूलों की रंगोली सजाई और जलते हुए दीयों की कतारें लगाकर संत श्री के स्थापन स्थल पर सजावट की। प्राचार्य विजय राठौर व सह प्राचार्य वैशाली राठौर ने बड़ी संख्या में विद्यार्थियों व शिक्षक गणों की मौजूदगी में संत श्री गजानन महाराज के फोटो प्रतिमा की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलन किया व संत श्री के दर्शनों का लाभ लेके क्षेत्र की सुख शांति को लेकर मनोकामना की। गजानन महाराज का प्रगट दिवस है, हर साल यानी 5 वर्ष हो गए लगातार यहाँ पर अपन मनाते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त बनाते हैं, और चूंकि मैं सेगांव का ही रहने वाला हूँ और गजानन महाराज के स्थान है तो ये उनकी प्रेरणा से सारी चीज़ें हो रही है। आज स्कूल जो है जो नया नया इसमें कार्य हो रहा है, ये सारा गजानन महाराज की कृपा से हो रहा है। यह दिलचस्प मामला नरसिंहपुर के चिचली जनपद का है, जहां एनटीपीसी से महज चंद किलोमीटर दूर रायपुर से कल्याणपुर जुड़ने वाली सड़क की कहानी अजीबोगरीब है। मात्र 4 किलोमीटर का सफर मानो मुश्किल भरा है। गड्ढा और उन गड्ढों में सड़क खोजना मानो लोगों के लिए मुसीबतों का इंतजाम जैसा है। दुर्घटनाओं को आमंत्रण देते हुए गड्ढे व जनप्रतिनिधि समेत तमाम लोगों को उदासीनता का आलम यह है कि पिछले 40 सालों में सिर्फ 4 किलोमीटर सड़क नहीं बनी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शक्कर नदी पर करोड़ों की लागत का पुल जरूर बन गया। अब पुल के कल्याणपुर तरफ 3 किलोमीटर और पुल के रायपुर की ओर 1 किलोमीटर लगभग कच्ची सड़क है। 3 किलोमीटर की जो रास्ता है इतनी दिक्कत में है किसान की, इसमें रोज आना दुर्घटनाएं होती हैं। कितने गांव जुड़े हैं इस रास्ते से? तो कम से कम यहाँ से आपके नरसिंहपुर से लेकर सीधी घोड़ी टोरी के साले चौका तक यहाँ तो बहुत सारे गाँव जुड़े हैं जो यहाँ सीधी रास्ता चलती है। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी आते हैं, उनसे भी बोलते हैं, न कोई अधिकारी सुनता न जनप्रतिनिधि सुनते।